मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड क्या हम दोनों को साथ में ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड का कॉम्बिनेशन अगर हम साथ में यूज करते हैं तो इससे हमारे हेयर की ग्रोथ पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है? क्या इससे हमारा हेयर ग्रोथ दुगनी तेजी के साथ में होता है? इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, यानी कि आपको इसका डोसेज किस तरीके से लेना? हेयर लॉस को लेकर हम लोग बहुत चिंतित होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हेयर लॉस फौरी तौर पर जल्द से जल्द बंद हो और हेयर की ग्रोथ और हेयर की थिकनेस इंप्रूव हो, और इसके लिए हम बहुत सारा जतन करते हैं। मिनोक्सिडिल यूज करते हैं, फिनास्टेराइड यूज करते हैं, इसके अलावा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बायोटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस बारे में आपका सवाल था कि क्या मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड हम दोनों को एक साथ में ले सकते हैं, तो इसका सवाल का जवाब यही है कि जी हाँ, मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप एक साथ में यूज करोगे तो ये आपके हेयर की ग्रोथ और हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करने में ज्यादा बेहतर तरीके से मदद करता और ज्यादा फास्ट तरीके से काम करता। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड अलग अलग मेडिकेशंस हैं, लेकिन दोनों का काम चूंकि एक ही है, क्योंकि ये आपके हेयर की ग्रोथ में इजाफा करता है, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है और इसके साथ साथ हेयर लॉस को रोकता है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा अलग है और हट करके की है। आमतौर पर डॉक्टर्स मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में कंबाइन करके थेरेपी देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है और बहुत बेहतर तरीके से काम भी करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैकेनिज्म दोनों का अलग है, यानी मिनोक्सिडिल आप यूज करते हो और फिनास्टेराइड आप यूज करते हो, तो दोनों डिफरेंट तरीके से आपके हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। एक आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल में रखता है और इसके साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को नर्चर करता है और आपके हेयर की ग्रोथ में इजाफा करता है, जबकि मिनोक्सिडिल आपके जो साइकिल है, जो रेस्टिंग फेस है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको तेज करता है और आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। आप जब फिनास्टेराइड लेते हो तो फिनास्टेराइड आपके DHT की प्रोडक्शन को सप्रेस करने में मदद करता है और आपके हार्मोन को बैलेंस में रखने में मदद करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसे बैलेंस रखने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को नर्चर करके हेयर की ग्रोथ और थिकनेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जबकि मिनोक्सिडिल हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और जो हेयर फॉलिकल रेस्टिंग फेस में होते हैं उसको एक्टिवेट करता है और आपके हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है। अब आप बोलोगे कि जो मैं ये बता रहा हूं कि मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड का अगर कंबाइंड एप्लीकेशन आप करते हो, यानी एक साथ इस्तेमाल करते हो, तो क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है जो इस बात को प्रमाणित करती है, बताती है, प्रूफ करती है कि इस तरह से अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिनोक्सिडिल भी यूज करते हैं, फिनास्टेराइड भी अगर हम साथ में यूज करते हैं, तो क्या ये वाकई हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है? तो मैं जो ये बात कर रहा हूं इसको क्लेम करने के लिए मैं आपको एक एविडेंस आपको मैं बताता हूं, जो कि 2015 में इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है उसका जो रिजल्ट था वो उसमें पब्लिश किया गया था। इस स्टडीज में टोटल 428 मेन ने पार्टिसिपेट किया था। इसे तीन ग्रुप में बांटा गया था। पहला ग्रुप वो था जिसमें 154 ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ फिनास्टेराइड का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। 122 ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था और 152 ऐसे मेन थे, पुरुष थे, जिनको ये दोनों ही कॉम्बिनेशन यानी मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड दोनों का इस्तेमाल करने को कहा गया था। एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट इसका आया वो चौंकाने वाला था। जो दोनों कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि फिनास्टेराइड और मिनोक्सिडिल दोनों ही इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें 94.1% हेयर की ग्रोथ देखी गई। ये रिजल्ट इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर आप मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड दोनों का इस्तेमाल एक साथ में करते हो, कंबाइन करके करते हो, तो आपका हेयर का ग्रोथ ज्यादा होता है। आपको फिनास्टेराइड कितना इस्तेमाल करना चाहिए? आमतौर पर हमारे हेयर लॉस और हमारे हेयर की लॉस की जो कंडीशन है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसकी जो सीवरिटी है, हेयर लॉस कितना फ्रिक्वेंट हो रहा है, कितनी तेजी के साथ हो रहा है। इस चीज को देखते हुए बेस्ट है कि डॉक्टर आपको इसको रिकमेंड करे। जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको बता देता हूं कि मिनोक्सिडिल, यानी अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हो साथ में, तो आप मिनोक्सिडिल 1 ml आपको यूज करना है सुबह में और शाम में। एवरीडे आपको इसका इस्तेमाल करना है, 1 ml मॉर्निंग में और 1 ml आपको इवनिंग में इस्तेमाल करना है। जबकि फिनास्टेराइड जो आप इसके साथ साथ चला रहे हो, तो फिनास्टेराइड का इस्तेमाल आपको वीक में एक बार या फिर दो बार आपको करना है। 1 mg का फिनास्टेराइड आता है मार्केट में, आपको इसका इस्तेमाल करना है। जबकि फिनास्टेराइड का इस्तेमाल आप हफ्ते में दो बार
भी कर सकते हो और 3 बार भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ कंडीशन एंड हेयर लॉस कंडीशन। आपके हेयर लॉस की कंडीशन को देखते हुए आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आप हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज पर, और आप हफ्ते में 3 टाइम्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर में आपको इस्तेमाल करना है, यानी डेली नहीं यूज करना, एक दिन का गैप रख के यूज करना है। फिनास्टेराइड का इस्तेमाल करने से पहले अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, या मिनोक्सिडिल अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर कोई इशू नहीं है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिनास्टेराइड और मिनोक्सिडिल ये दोनों ही ऐसी मेडिकेशन है जो कि आपके हेयर की ग्रोथ को प्रोमोट करने में, बढ़ाने में आपकी मदद करता है, इमीडिएटली हेयर के लॉस को रोकने में आपकी मदद करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पुरुषों में अगर गंजापन हो रहा है, हेयर लॉस की कंडीशन बहुत सिवियर हो रही है, तो फिर आप मिनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।